मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं रिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ पूरे दिल से मेरे चैनल में। और अभी देखिए छत पे पूरे कपड़े मैंने आज बहुत सारे मतलब कि मैंने कपड़े धोए हैं, सुबह से ही कपड़े धो रही हूँ। और स्वेटर भी ये वाला धो दिया था, तो अभी मैं छत पे आई तो ये सूख गया है क्योंकि अभी 11 बज रहे हैं, तो अभी मैंने पहन लिया है। और बहुत सारा आज मैंने काम किया है सुबह से, लेकिन मैंने कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि बहुत काम हो जाता है ना। बहुत सारे कपड़े, पर्दे, बेडशीट, पिलो कवर ये सारे धोए हैं, तो काम तो ज़्यादा हो ही गया। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग अभी की है, सुबह से नहीं की थी क्योंकि मतलब काम करने में भी तो टाइम लग जाता है ना। तो इसीलिए पीछे देख सकते हैं पर्दे मैंने धोए हैं, नए वाले भी धो दिए हैं, उसको चेंज कर दूँगी और दूसरा पर्दा लगाऊँगी। और डुग्गू तो भौंकते ही जा रहा है, डुग्गू का काम है भौंकना, दिन भर भौंकता है। हे डुग्गू, तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे और ये देखिए आज हमारा साग भात चलेगा। तो ये है मूली के पत्तों का साग, बस ज़रा सा ही है, मैंने खुद के लिए ही बनाया, बाकी सब के लिए दाल और सब्जी बना दी थी। तो चलिए खाते हैं, अभी 12 से ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग 12:30 इस तरह से। तो ये देखिए आज का हमारा यही है जो खाना है, सामने शीतल भी खा रही है और मुझे साग बहुत ज़्यादा पसंद है, हर तरह की साग खाना मुझे पसंद है। तो मैंने साग को पका के और मिक्सी में थोड़ा पीस लिया है क्योंकि इस तरह से चावल में मिला के खाने में अच्छा लगता है। और ये वीडियो जो है 28 दिसंबर की है, मतलब पिछले मंगलवार की है, और इस मंगलवार को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको पब्लिश कर दूँगी, तो वीडियो लेट से जा रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है, इसलिए मैं वॉइस ओवर भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो सारे पर्दे अभी सूख गए थे, तो छत पर से मैं इसको ले आई हूँ, 3 पर्दे मैं ऊपर लगाती हूँ और 3 पर्दे नीचे। तो सारे आज धोए थे, और क्यों धोए थे, क्योंकि 1 जनवरी आने वाला है ना, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की। और आज की डेट है 28 तारीख, और बहुत तेज़ हवा चल रही है, अभी देख सकते हैं बहुत तेज़। इधर डुग्गू भी देखिए छत पे बंधा हुआ है, और हवा तो बहुत तेज़ है, बट हल्की हल्की धूप भी थी। देखिए ऊपर मैंने गद्दे का भी कवर पसार लिया है, वो हिल रहा है, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है, फिर भी मतलब कपड़े बहुत जल्दी सूख गए थे। वैसे भी मैंने मशीन में धोए थे और ड्राई भी कर लिए थे मशीन में, तो बहुत जल्दी सूख गए थे सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे। मतलब जब से उठी थी तब से मैं कपड़े ही धो रही थी मशीन में, और इधर काम भी करते जा रहे थे, तो सारे काम मेरे साथ साथ ही होते जा रहे थे। 1 जनवरी की तैयारी तो पहले से करनी ही पड़ती है, घर की थोड़ी साफ़ सफाई, और सबसे ज़्यादा तो मुझे कपड़े ही धोने की चिंता रहती है, कपड़े धोने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने ये वॉशिंग मशीन लिया था, क्योंकि कपड़े धोने में बहुत टाइम लगता है और मुझे उतना पसंद नहीं था हाथों से कपड़े धोने। लेकिन कहते हैं ना कि धोना है तो धोना है, तो जब भी मैं जब स्कूल पढ़ाती थी तो वहीं पे सेविंग करके पैसों की, और मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन ही लिया था क्योंकि मुझे कपड़े धोने ना पड़े हाथों से। और जब से लिया है तब से मुझे बहुत आराम है, कपड़े लगा देती हूँ धोने के लिए और बाकी काम भी करते जाती हूँ। तो देखिए ये वाला भी बेडशीट सूख गया था, एक तो और पतला है, जल्दी सूख गया था, तो अभी सब मैं कवर सबका लगा रही हूँ। और ये जो कवर है ना रजाई में, ये मैंने नीचे वाले गद्दे के लिए लिया था, जो कपड़े का गद्दा मेरा है ना वो उसके लिए, लेकिन उसमें ये छोटा हो रहा था तो फिर मैंने निकाल के इसको रजाई में ही लगा दिया है। और यहाँ का जो रजाई था वो ऊपर कमरे में रख दिया है, शीतल संध्या को दे दिया है ओढ़ने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स अभी रात के 7 बजे होंगे, 7 बजे तो शाम ही रहता है बट हम लोग के लिए रात हो जाता है, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था और बारिश भी हो रही है अभी। तो देखिए सारी सब्जियां मैंने काटी हैं खिचड़ी बनाने के लिए, सब्जी वाली खिचड़ी बनाने के लिए मैंने सारी सब्जियां काटी थी, बट पता चला कि आज मंगलवार है तो फिर मैंने खिचड़ी नहीं बनाया क्योंकि हमारे यहाँ मंगलवार को नहीं बनाया जाता है। मुझे लगा आज बुधवार है तो मैं खिचड़ी बनाने जा रही थी, और दाल चावल भी धो दिया था, बट शीतल की मम्मी ने फ़ोन किया तो पता चला कि आज मंगलवार है तो मंगलवार को खिचड़ी नहीं बनती है। तो वही दाल चावल को मैंने धो के और उसमें पानी डाल दिया है, कल उसका इडली बना लूँगी। और ये जो सारी सब्जियाँ मैंने काटी है ना, इसको कुकर में ही छौंक दे रही हूँ, सब्जी और रोटी बना लूँगी अब।
बारी बारी से देखिए सारी चीज़ें मैं कुकर में ही भून रही हूँ। कुकर में भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है, टेस्टी बन जाती है, बस ज़्यादा सीटी नहीं लगाना पड़ता है, एक सीटी लगेगी और मैं तुरंत ही इसको निकाल लूँगी। तो वही जैसे कुकर में बनाते हैं उसी तरह से मैंने तेल फ़ौरन पहले डाल लिया और अदरक लहसुन ये सब काट लिया था खिचड़ी में डालने के लिए, तो वही सब का छौंका लगा दिया है। प्याज और गोभी पहले भून लिया, उसके बाद एक एक करके सारी सब्जियां मैं डाल डाल के भून लूँगी और जो प्रॉपर मसाले होते हैं डेली यूज़ के वो सब मैं डाल के आज कुकर में ही सब्जी बनाने वाली हूँ। और कल जो मैंने चावल का पीठा बनाया था ना वो भी बहुत सारा बचा हुआ है, दाल वाला जो चने दाल का बनाया था, तो उसको भी आज भून लेंगे खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सारे मसाले जो होते हैं हल्दी धनिया मिर्च पाउडर नमक ये सब मैं एक साथ ही इसका पेस्ट बना लेती हूँ घोल के। और सामने देखिए टमाटर और धनिया पत्ता भी काट लिया है, बहुत मन था आज खिचड़ी बनाने का इसलिए सारी चीज़ें काटी थी कि नया चावल आया है घर से तो नए चावल का खिचड़ी बनेगा बट मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि आज मंगलवार है, तो फिर सब कैंसिल करना पड़ा और सबकी जो सब्जी काटी हुई थी मैंने उसकी सब्जी ही बना ली। तो देखिए कटोरे में दाल चावल धो के रखा हुआ है, खैर कि मैंने चने का दाल डाला था, चने वाला ही बना रही थी तो उसमें थोड़ा सा और दाल डाल दिया है, कल सुबह उसको पीस लूँगी और कल रात में उसका इडली बनेगा। तो देखिए सारे मसाले डाल दिए हैं भुनने के लिए और जब मसाले भुन जाएंगे तो पानी डाल दूँगी, थोड़ा सा जो धनिया पत्ता है वो भी मैं पहले डाल लेती हूँ, मुझे उसका स्वाद अच्छा लगता है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता सब्जी होने के बाद डालूँगी। तो इसको पानी डाल के चढ़ा देते हैं, एक सीटी जैसे ही आएगी मैं इसका गैस ऑफ कर दूँगी और कुकर से भी सीटी निकाल दूँगी ताकि ज़्यादा सब्जियाँ गले ना। तो दोस्तों अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, बट ये पहले की वीडियोस मेरे पास थी तो मुझे ये सब तो आप लोगों तक पहुँचाना ही था, तो मैंने सोचा कि चलिए वॉइस ओवर कर ही देते हैं। थोड़ा सा मतलब दिक्कत है लेकिन वीडियोस अभी नहीं बन रही है, 1 जनवरी को मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने वही पहले पब्लिश कर दिया और अभी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे पास हैं दिसंबर की, तो वो सब मैं अब धीरे धीरे पब्लिश करूँगी। तो ये देखिए पीठा जो है चने दाल वाला इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, धनिया पत्ता भी काट लिया है, और देखिए कढ़ाई में तेल डाला है, जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है और उसमें थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालूँगी। बहुत अच्छा ये पीठा बनता है भुनने के बाद, सारे मसाले को मिला लिया है और उसके बाद जो पीठा के पीसेज मैंने काटे हैं ना ये देखिए इसको डाल के भून लूँगी, बहुत अच्छा लगता है, सबको मेरे यहाँ बहुत पसंद आया। और अभी और 3-4 पीठा है तो वो साउथ ही रहने दिया है मैंने क्योंकि मुझे वैसे भी खाना बहुत पसंद होता है। तो धनिया पत्ता डाल दिया है और ये है काली मिर्च का पाउडर तो इसको भी डाल लेती हूँ, और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, नमक थोड़ा सा मैं डालूँगी, मतलब कि नमक तो इसमें है ही मगर थोड़ा सा और डाल लेती हूँ ताकि ऊपर ऊपर जो परत है वो भी नमकीन हो जाए। और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर, अंधेरे में तो पता नहीं चल रहा है, या दरवाजे के पास देखिए बारिश हो ही रही है। खैर कि मैं सुबह से सारे कपड़े धुल लिए थे तो मेरे एक वही कपड़ा जो सूखा हुआ ऐसा नहीं था कि सूखा नहीं था, सब सूख गया और बारिश तो अभी हो रही है ना। तो चलिए अब पीठा को निकाल लेते हैं और देखने में बहुत ही मछली के पीस जैसा लग रहा है, और पहले मैं ये विकास को दे देती हूँ उसके बाद एक प्लेट में निकाल लूँगी और हम तीनों खा लेंगे शीतल संध्या और मैं, तो ये वाला पहले मैं विकास को दे देती हूँ उसके बाद हम लोग अपने लिए निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ना पीठा, एकदम भुनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है, सादा पीठा आप खाते हैं ना उससे ज़्यादा ये अच्छा लगता है, खास करके दाल वाला को इस तरह से भुना जाता है, आलू वाला भी भुन सकते हैं लेकिन दाल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है।
और इसके साथ सब्जी मैंने दिखाई ही। तो चलिए खाते हैं, आप लोग को अगर पसंद हो तो आप लोग भी आ जाइए और इसके साथ ही वीडियो का एंड भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।